अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट कंपेशनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। वो हजरत जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, और पेपाल की पेमेंट आई हुई है उन लोगों के पास, वो चाहते हैं कि हम यही पेपाल की पेमेंट पाकिस्तानी बैंक में विड्रॉ करें। तो यही वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप किस तरह पेपाल की पेमेंट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, क्योंकि पेपाल तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरह ले सकते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पेपाल की पेमेंट है तो आपके पास पेपाल अकाउंट भी होगी, तो फिर भी आप नहीं ले सकते, इट्स मीन देर इज सम इशू। मैं वो इशू आप लोग किस तरह आप ले सकते हैं पेपाल की पेमेंट पाकिस्तान। अच्छा जी, फर्स्ट तो ज़रूरी है कि आपके पास किस मुल्क का पेपाल अकाउंट है आप लोग। अगर मलेशिया का पेपाल अकाउंट है आप लोग और आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में वो डॉलर किस तरह कन्वर्ट के लिए, तो वो तो मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए पेपाल एक्सचेंजर। पेपाल एक्सचेंजर क्या मतलब? पेपाल एक्सचेंजर ये एक्सचेंजर होते हैं जो कि पेपाल की पेमेंट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट को पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आप लोगों के लिए एक्सचेंज करता है, और कुछ फीस लेता है, कुछ चार्जेस लेता है, 30% चार्जेस, कुछ 25% भी लेता है, ठीक है। इस तरह, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, तो फिर तो ठीक है, फिर वो आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट इजीली ले सकते हैं। इस तरह ले सकते हैं। मैं फर्स्ट में आप लोगों को मलेशिया का पेपाल बता देता हूँ। अच्छा, मलेशिया पेपाल के लिए आप लोगों के लिए क्यों एक्सचेंजर की ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि जो है ना, एक बैंक अकाउंट है, एक अकाउंट है जिसका नाम है प्योनियर, प्योनियर अकाउंट है, यूएस का अकाउंट, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है पेपाल के साथ, ठीक है। पियोनियर का अकाउंट जो कि यूएस का है, रिमेम्बर, वो पाकिस्तान में बन जाता है, अलाउड है, हर कोई बना। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ कि पियोनियर का अकाउंट किस तरह, ठीक है, और पेपाल का अकाउंट भी बताऊंगा लेकिन मलेशिया का, ठीक है, क्योंकि यूएई के लिए तो आपको चाहिए यूएई का नंबर। नंबर है आपके पास, तो मलेशिया पेपाल अगर आप जो पेमेंट है आप विदड्रॉ करना चाहते हैं पाकिस्तानी अकाउंट में, तो उसके लिए आपको एक्सचेंजर चाहिए। एक्सचेंजर क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, मैं भी एक्सचेंज करता हूँ पेपाल के पेमेंट, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है मलेशिया का, तो मैं एक्सचेंज करता हूँ, आपने मेरे पेपाल अकाउंट में सेंड करना है, और मैं पियोनियर से आपको फिर आपके बैंक में ट्रांसफर, मैं बेसिकली 30% चार्जेस, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, पेपाल की पेमेंट जो कि मलेशिया का पेपाल है उसके लिए आपको एक्सचेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके पास यूएई का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, या सऊदी अरब का पेपाल अकाउंट, तो अगर आपकी पेमेंट उसमें है तो आप इजीली पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में हासिल करते हैं विदाउट एनी एक्सचेंजर। एक्सचेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने भी एक्सचेंजर है पेपाल एक्सचेंजर हो, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वजह यह है कि आपने एक दूसरा अकाउंट भी बनाना है, मैंने आपको अभी भी बताया, पियोनियर, पियोनियर एक अकाउंट है यूएस का, वो पाकिस्तान में बन, ठीक है, इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आपने पियोनियर का अकाउंट उस पेपाल अकाउंट से कनेक्ट करना, सऊदी अरेबिया हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पेपाल अकाउंट उससे कनेक्ट करना, बैंक लिंकिंग लिंक करना। तो क्या होगा, अगर आप विड्रॉ करेंगे अपने पेपाल के डॉलर, फर्स्ट वो पियोनियर अकाउंट में आएंगे और पियोनियर से फिर पाकिस्तानी, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आप लोग के लिए कोई भी एक्सचेंजर की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद कर सकते, ठीक है। जहाँ तक पेपाल मलेशिया का ताल्लुक है, उसे आप कनेक्ट नहीं कर सकते, पियोनियर तो आप बना लेंगे लेकिन पियोनियर को मलेशिया पेपाल अकाउंट से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मलेशिया पेपाल अकाउंट ये वाहिद ऐसा पेपाल अकाउंट है जो मलेशिया खुद अपने बैंक अकाउंट करता है, एक्सटर्नली कोई नहीं कनेक्ट कर सकता। दैट्स वाई, तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मलेशिया के पेपाल के डॉलर्स पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में चाहिए, तो आप लोगों के लिए आप लोगों को एक्सचेंजर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन कौन से ऑथेंटिक एक्सचेंजर हैं, लेकिन आजकल एक्सचेंजर भी नहीं कर रहे, ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसीलिए, तो 30% मुझे काफ़ी ऑर्डर आते हैं, तो मैं 30% चार्जेस लेता हूँ, इसलिए तो मैं वीडियो बना कर, और बाकी जितने भी कमेंट्स मुझे रिसीव हुए, वो उसने कहा था कि सर आप एक वीडियो बना ले ताकि और भी इससे फ़ायदा उठा लें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपाल अकाउंट जो कि मलेशिया के या यूएई का है, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है और पियोनियर अकाउंट भी नहीं है, ठीक है, तो मैं ये एक्सचेंज ऑफर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, और
कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है, 30% चार्ज, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर या इसी फ्रंट स्क्रीन पर आप नंबर डाल दूंगा, आप देख देख भी सकते हैं कि मैं व्हाट्सएप पर जो है वो, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास, क्योंकि आजकल लोग टिकटॉक से भी पैसे कमा रहे हैं, वहाँ पे भी पेपाल अकाउंट, अब अपवर्क है या जो भी है, फाइवर है, और भी अदर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल है, रिप्ले है, जो कि वो लोग जो कि टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो सब के लिए आपके पास पेपाल अकाउंट। तो होपफुली अगर फॉर एग्जांपल इस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते। तो ये रही आप यही कुछ है, इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दें, अगर आपके पास मलेशिया का पेपाल अकाउंट है तो आपको एक्सचेंजर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पियोनियर मलेशिया पेपाल अकाउंट से कनेक्ट नहीं हो सकता, लिंक नहीं हो सकता। अगर आपके पास सऊदी अरेबिया का है, किस मुल्क का भी, सऊदी अरेबिया का है, दुबई का है, या फिलीपींस का है, जिस मुल्क का भी है फॉर एग्जाम्पल, उससे आप पियोनियर अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। पियोनियर पाकिस्तान में इजीली बन जाता है, अलाउड है, तो आप उस पेपाल अकाउंट के साथ पियोनियर अकाउंट लिंक कर सकते हैं। पेपाल से पहले पियोनियर और पियोनियर से फिर पाकिस्तान में इजीली आप ट्रांसफर हो सकते हैं, इसमें आपको एक्सचेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पियोनियर अकाउंट नहीं है तो फिर एक्सचेंजर की जरूरत पड़ेगी, और मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा जितने भी एक्सचेंजर हैं, ऑथेंटिक एक्सचेंजर, लेकिन मुझे नहीं लगता आजकल होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं कुछ है जो कि पहले करते थे, आई डोंट नो कभी करते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर दूं, तो ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। 30% चार्जेस देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।